जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। इस पार्ट थ्री कश्मीर की खूनी कहानी के अंदर, इस कहानी में आज कर्नल तेज टिकू जो हमारे साथ हैं, वो हमको समझाएंगे, बताएंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर जाएंगे और हमको बताएंगे कि ब्रिटिशर्स ने डोगरा रूलर्स के साथ क्या क्या, बड़े सिंपल वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, गेम खेले और किस किस तरह से उनको साइडलाइन किया गया, उनके उनकी जो रियलिटी रियलिटी थी उसको छुपाया गया। ये क्यों किया गया, क्या क्या किया गया, आज समझते हैं कर्नल तेज टिकू के साथ। सर, पहले तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू आदि जी, थैंक्स अ लॉट। हमने इस कश्मीर की श्रृंखला में अभी तक हमने डोगरा रूलर्स किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के राजा बने, उसका क्या बैकग्राउंड था, उसकी क्या इंटरनेशनल परिस्थिति क्या थी और इस उपमहाद्वीप में क्या क्या हो रहा था जिस वजह से जम्मू कश्मीर डोगराज के हाथ में चला गया, खासकर कश्मीर, और कैसे अफगान वहाँ से निकले, फिर सिख आए और सिख के बाद डोगरा वहाँ पर आ जाए, ये हमने अभी तक देखा है। और हमने ये भी देखा कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बिना पर फिर कश्मीर जो है, डोगरा राजा जो जम्मू के इलाके को जो रूल कर रहे थे, जो उसमें हुकूमत थी उनकी, फिर वो कश्मीर भी उनके साथ मिल गया, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर का जो स्टेट जिसको हम आजकल जानते हैं वो एग्जिस्टेंस में आ गया, पैदा हुआ, जिसको हम आज पहचानते हैं। लेकिन उस समय डोगरा रूलर्स, डोगरा महाराजाओं के टाइम में क्या हुआ और डोगरा महाराजाओं के टाइम में जो सुजरेनिटी थी वो ब्रिटिश सरकार की थी, क्योंकि अंग्रेज़ पूरे इंडिया के ऊपर हुकूमत चला रहे थे, और उस वक़्त क्या क्या हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, उनका नतीजा क्या निकला, इसका जो है अभी तक भी है, हम उसकी जो है, भारत जो है, भारत क्या बैकसों का पूरा साउथ एशियाई या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसका खामियाजा भुगत रहा है। तो आज हम बात करेंगे ब्रिटिश और डोगरा रूलर्स की रिलेशनशिप के बारे में, और ब्रिटिश और डोगरा रिलेशनशिप में अंग्रेज किस प्रकार की साजिशें रच रहा था पहले दिन से ही, और क्यों रच रहा था, क्या कर रहा था, और इसकी वजह क्या थी, हम इस पर आज चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। देखिए, जब महाराजा गुलाब सिंह ने 1946 नवंबर 1946 में अपनी हुकूमत जम्मू कश्मीर स्टेट में चलानी शुरू करी, तो उस समय अंग्रेजों और डोगराज की क्या रिलेशनशिप थी। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि महाराजा गुलाब सिंह ने, वो एक्चुअली अंग्रेज जो था उसका ऋणी था कुछ चीज़ों के लिए। पहले तो ये बात थी कि महाराजा गुलाब सिंह ने एक क्रूशल टाइम के ऊपर, एक बहुत ही नाजुक समय में अंग्रेज़ों की मदद करी थी, जब अंग्रेज़ एंग्लो अफगान वॉर में लुप्त था, और एंग्लो अफगान वार कई सालों तक चला, लेकिन वो खैबर दर्रे को कभी पार नहीं कर सके। लेकिन फिर 1941 में, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया, तो उस टाइम महाराजा गुलाब सिंह ने बहुत ही क्रूशल रोल निभाया, जिस वजह से अंग्रेज़ फाइनली खैबर पर कब्जा कर लिया और काबुल उनके हाथ में चला गया। तो इस वजह से अंग्रेज़ जो था गुलाब सिंह का ऋणी था। और दूसरी वजह ये थी कि महाराजा गुलाब सिंह ने उस इलाके को, जो कि उपद्रवी इलाका माना जाता था, यासीन जो टर्बुलेंट एरिया होते थे, खासकर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आजकल जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में, या जिसको आजकल खैबर पख्तूनवा बोलते हैं, बहुत टर्बुलेंट एरिया था, उपद्रवी एरिया था, कभी वहाँ शांति रही नहीं, आजकल भी वहाँ शांति ज़्यादा नहीं रहती है, तब भी नहीं होती थी। तो इस इलाके को महाराजा गुलाब सिंह ने
वहां पर शांति स्थापित करी और अंग्रेजों के ऊपर जो एक बड़ा दबाव पड़ता था, क्योंकि ये क्रूशल एरिया था, आपको मालूम है, उसके बारे में आप थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। तो इस इलाके में महाराजा गुलाब सिंह जिम्मेदार था वहां पर शांति स्थापित करने के लिए, और क्योंकि बहुत मुश्किल से अंग्रेजों ने काबुल के ऊपर अपना एंग्लो सिख वॉर में जीत हासिल करी थी, बहुत मुश्किल से, और ये इलाका तकरीबन तकरीबन शांत हो चुका था। इस वजह से अंग्रेज जो था वो महाराजा गुलाब सिंह का जो ऋणी बन चुका था। लेकिन हमेशा अंग्रेजों के दिल में ये बात रहती थी कि भाई ये इलाका जो है बहुत सेंसिटिव है और इस इलाके में हमें अपना दबदबा बना के रखना चाहिए, या ये जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं ये हमारे पास रहने चाहिए। इसकी कई वजह थी और पहले दिन से ही ये, जब से अंग्रेज हिंदुस्तान में आया और जम्मू कश्मीर को अपने नीचे किया, उन्होंने अपने सुजरेनिटी के नीचे किया, तब से उनके दिल में ये बात थी। इसकी पहले भी मैंने बताया, अभी दोबारा मैं थोड़ा सा इसको रिइट्रेट करता हूँ, क्योंकि ये इलाका जो था ये ऐसी जगह पर लोकेटेड था जहाँ पर सोवियत, उन दोनों रशिया होता था, जार का रशिया होता था, तो उनका जो था इस इलाके में काफ़ी प्रभाव होता था और वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के सब कॉन्टिनेंट को जो है वहाँ से थ्रेट हो। और पहला इलाका जो उनकी थ्रेट की जद में आ जाता वो वही लद्दाख, खैबर पख्तून का इलाका था, और फिर अगर वो लद्दाख में आ जाते तो जम्मू कश्मीर डेफिनेटली ऑटोमेटिकली उसके ऊपर उनका जो है थ्रेट काफ़ी बढ़ जाता। ये उनकी चिंता हमेशा लगी रहती। और उन दिनों का आपने देखना चाहिए, ये गिलगित वगैरह जो है ट्रेड रूट्स को कंट्रोल कर रहा था, जो ओल्ड सिल्क रोड थी या ट्रेड रूट बाद में बन गई, ये साउथ, ये सेंट्रल एशिया से जो ईस्ट की तरफ जाती थी, फिर कराकरम से होती है नीचे चाइना, काशगर वगैरह जाती थी, और लद्दाख के नॉर्थ में जो ये फिर एक श्रीनगर को भी आ जाता था, एक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चला जाता था, एक अफगानिस्तान चलाते, तो वो ये इलाका बहुत क्रूशल था उन दिनों। अगर आप उन दिनों, आजकल भी है, आजकल किसी और परिस्थिति की वजह से, लेकिन उन दिनों बहुत महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण इलाका माना जाता, तो ये इसकी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस थी। तो अंग्रेज ये चाहता था कि इसके ऊपर वो काफी निगरानी रखे, और इसलिए हालांकि वो गुलाब सिंह के तो ऋणी थे, लेकिन वो अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर 1852 मतलब 6 साल के बाद, गुलाब सिंह के हुकूमत करने में, के हुकूमत में आने से 6 साल के बाद, उन्होंने वहाँ पर एक जम्मू कश्मीर में ना OSD नियुक्त किया, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। और ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी क्या था, वो अंग्रेजों की आँख और कान थे, ताकि जो भी हरकतें हो रही हैं वो अंग्रेजों को उसकी रिपोर्ट दे, और अंग्रेज ने जो भी करना है वो इसी के थ्रू किया जाता था। उसके बाद, ये करने के बाद, उन्होंने पुंछ, लद्दाख और बल्किस्तान में भी एक अपने रेजिडेंट रखती है। रेजिडेंट का मतलब है उन दोनों का कमिश्नर होता था, तो वो भी इन चीज़ों, देखो पुंछ, बल्किस्तान, लद्दाख, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सारा नदर्न इलाका है और नीचे को आता है साउथ ऑफ पीर पंचाल पुंछ, उस पूरे इलाके में निगरानी रखने के लिए इन्होंने अपने रेजिडेंस कमिश्नर रख दिए, जो कि डायरेक्टली अंग्रेज को रिपोर्ट कर, गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे, ताकि वो उनके ऊपर निगरानी रख सके। और मैं आपको ये बताऊँ, हालांकि इनकी जो कहानी है बाद में, रेजिडेंस कमीशन रेजिडेंट जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, इनकी कहानी एंड तक चलती है, महाराजा हरि सिंह के टाइम तक चलती है, और कैसे, और उसका प्रभाव आजकल भी हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि हरि सिंह के टाइम में जो हुआ वो तो बिल्कुल रिलेवेंट है, आज के जो कश्मीर का मुद्दा है उसमें काफ़ी रिलेवेंट है। पहले भी मैंने ये बताया था, मेजर मैक्ग्रेगर जो था वो पहले रेजिडेंट थे कश्मीर में, फर्स्ट OSD जो कश्मीर में बना, बाद में उसका नाम रेजिडेंट हुआ। तो ये जो ये एक ओहदा था, ये जो अपॉइंटमेंट थी, ये बहुत इसने क्रूशल रोल अदा किया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम देखेंगे कश्मीर की परिस्थिति इतनी खराब क्यों हुई। महाराजा गुलाब सिंह को एक बहुत बड़ा डर था, महाराजा गुलाब सिंह को एक डर ये था
कि अंग्रेजों के टाइम में उन्होंने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया था, मतलब चूंकि क्योंकि राजनीति मतलब मानो अब डॉक्ट्रिन क्या मतलब है, सिद्धांत, प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल बनाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसका मतलब ये मैं आपको समझा देता हूँ, उसका मतलब ये था कि अगर महाराजा का अपना बेटा नहीं है तो फिर कोई नहीं राजा बन सकता वहां, फिर अंग्रेज डायरेक्टली उधर हुकूमत करे। इसको बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अंग्रेज हर जगह पर इसको इस्तेमाल करते थे। जहां पर देखा कि महाराजा राजा महाराजा का कोई अभी हेरिडिटरी मेल चाइल्ड नहीं है तो खत्म, वहां पर अंग्रेज डायरेक्टली ये तो इसको बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो गुलाब सिंह को इस चीज़ की बहुत चिंता लगी रही थी, क्योंकि आपको मैंने पिछले पिछले उसमें बता दिया कि गुलाब सिंह जो था उसने दो बेटों को खोया था जब महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद वहाँ पर काफ़ी घमासान हुआ, उसके सिख एम्पायर जब टूटा, वो मैंने कवर किया था। उसका एक ही बेटा था और उसने उस बेटे को जो है एडॉप्शन के लिए उसको गोद दिया था सुचेत सिंह को, अपने भाई को। तो एक्चुअली मैं और अंग्रेजों को तो ये बात पता थी, तो अंग्रेज वो ये हमेशा उसको ये चिंता सताई जाती थी कि अंग्रेज जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके इसको मेरे से हुकूमत छीन लेगी, मेरा राज्य छीन लेगा और अपने नीचे करेगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि भाई आपने अपने बेटे को तो सुचेत सिंह को दे दिया गोद लेने के लिए, तो आपके पास तो कोई हेरिडिटरी मेल है ही नहीं। लेकिन महाराजा गुलाब सिंह ने एक उस टाइम के उस समय के लिहाज से मैं बोलूँगा एक बहुत बहादुरी का कदम उठाया उन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है उनसे छीनी जाए और वो अंग्रेज के हाथ में चला जाए। तो उन्होंने अपने जो उनका प्राइम मिनिस्टर था दीवान सहाय ज्वाला सहाय, उसने गवर्नर जनरल के पास उसको भेजा और बोला भाई महाराजा जो कह रहे हैं, महाराजा कह रहे हैं कि भाई मैं होते होते मैं जिंदा होते होते मैं गद्दी छोड़ना चाहता हूं और मेरी जगह जो है मेरे बेटे को राजा बनाया जाए। क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने महाराजा गुलाब सिंह ने काफ़ी काम किया था अंग्रेज़ों के लिए, तो वो इस रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सके और इस वजह से 1956 में महाराजा रणबीर सिंह जो उनके बेटे थे उसको गद्दी पर बिठाया गया। हालांकि उस समय महाराजा गुलाब सिंह जिंदा थे और महाराजा गुलाब सिंह को हालांकि वो रणबीर सिंह तो 1956 में राजा बने, लेकिन गुलाब सिंह की मृत्यु 1958 में हुई। तो आप ऐसा होता नहीं था पहले, लेकिन ये पहली बार हुआ और इसमें गुलाब सिंह कामयाब हो गए अंग्रेज़ों को कन्विंस करने के लिए कि भाई मेरे होते होते मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है ये बने। अब महाराजा रणबीर सिंह ने जो है 1856 से लेकर अपना राज शुरू किया और 1856 से लेकर पहले जो अंग्रेज़ों की जो चाल थी अंडरमाइन करने की, डोगरा राजाज को कमज़ोर करने की, वो तो गुलाब सिंह के टाइम से शुरू हुई थी और ये सिलसिला जो है चलता ही रहा। लेकिन डोगरा रोलर्स के पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, वो ये थी कि वो क्रूशल एरिया सब उस उपमहाद्वीप के क्रूशल एरिया के ऊपर हुकूमत करते थे और महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर उन्होंने अपनी फौजें भेजकर वहां पर जो उपद्रव हो रहा था, वहां जो रिवोल्ट हो रहे थे लोकल चीफ्स के, जो उसको दबा दिया और पहली बार उस इलाके को जो जम्मू कश्मीर का इलाका था उसको शांत किया। और इसमें पूंजा, यासीन नगर, दादर हवेली और चित्राल सबसे ज़्यादा ज़रूरी था चित्राल, क्योंकि चित्राल में जो है रशिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर जम्मू कश्मीर
के साथ मिलते थे, और यह अंग्रेज के लिए बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट इलाका था। तो कुछ हद तक तो रणबीर वो हटा भी नहीं सकते थे, और ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि रणबीर सिंह ही उपद्रव करे अंग्रेजों के ऊपर, तो बड़ा सटल वे में उनको इस चीज को हैंडल करना पड़ता था। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, गिलगत की तो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस अंग्रेज को 200 साल से पता, इनफैक्ट जब से अंग्रेज यहाँ आया था तो उनको पता था गिलगित की स्ट्रेट, क्योंकि गिलगित से जो रूट्स जाते थे वो कई को, एक तो कराकरम के ऊपर से चला जाता था, एक शोक के साथ चला जाता था, नॉर्थ वेस्ट के नीचे चला जाता था। तो ये गिलगित का इलाका तो उनके, और गिलगित जो उस टाइम अंग्रेज को इसकी जानकारी थी कि ये इतना स्ट्रेटजिक इलाका है, एंड तक भी ऐसा ही हुआ। हरि सिंह के टाइम में जब इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम क्या हुआ वो तो एक बहुत लंबी कहानी की, गिलगित को कैसे अंग्रेज ने हमसे छीन कर पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया, वो भी एक बड़ी कहानी है। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज ने गिलगित के अंदर एक ओएसडी अपना 1877 को उन्होंने अपना गिलगित में नियुक्त किया। जब महाराजा रणवीर सिंह ने प्रोटेस्ट किया, ज्यादा प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने उसको रिमूव कर दिया, एकदम से रिमूव कर दिया 1881 में, उसको हटा दिया वहां से। लेकिन फिर 1889 में उसने फिर वहां पर नियुक्त किया, और उस जिसको नियुक्त किया उसका नाम था एजी दुरान। आपको मालूम है दुरान लाइन का क्या चक्कर चल रहा है आजकल, वो दुरान लाइन ही उन्होंने पाकिस्तान का, आजकल जो पाकिस्तान उन दिनों तो नहीं होता था, तो वो हिंदुस्तान की बाउंड्री उन्होंने अफगानिस्तान से करी थी, जिसको दुरान लाइन बोलते हैं, और अफगानी जिसको मानते नहीं, कभी नहीं माना उन्होंने, और आजकल तालिबान पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि ये दुरान लाइन हम नहीं मानते, और आपको आपने देखा होगा हर दूसरे दिन वहां झगड़ा होता है, और अफगानी बोलते हैं कि हम आ जाएंगे आपके अंदर, और आप ये दुरान लाइन सुरान हम नहीं मान, ये वही दुरान था जिसने ये लाइन बनाई थी उस टाइम 1889 में। लेकिन अंग्रेज की जो साजिश थी डोगरा हुकूमत को कमजोर करने की, वो तो थमी नहीं, और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ 1877 में। क्या हुआ, एक बहुत बड़ा थमीन हुआ, कहत हुआ, ड्रॉट्स जिसको बोलते हैं कश्मीर के अंदर, बहुत ज़्यादा कोई सब कुछ ख़त्म हो गया वहाँ पर, कोई पैदावार नहीं, कोई उपजाऊ नहीं हुई, कोई खेती नहीं हो पाई, सब कुछ सूख गया। और अनफॉर्चुनेटली क्या था, तब से ये आजकल हम देखते हैं कि ये बीबीसी वगैरह हमारे भारत के अगेंस्ट क्यों कंटिन्यूसली वो लिखते, हर चीज़ को नेगेटिवली कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। उन दिनों में यही हाल था, एंग्लो इंडियन प्रेस जो था राजाओं के बिल्कुल बरकरार था, और जो जिस चीज से अंग्रेज को फायदा हो वही लिखते थे वो। और उन्होंने रणवीर सिंह को बदनाम करने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, और यहाँ तक बोला कि भई रणवीर सिंह ने अपना चावल चाली आटा बचाने के लिए 1,00,000 मुसलमानों को वुलर झील में डुबो दिया। तो मतलब ऐसी बेहुदा बात करी अंग्रेज ने कि भई महाराजा रणवीर सिंह ने 1,00,000 कश्मीरी मुसलमानों को वुलर लेक में डुबा दिया, ताकि वो 1,00,000 लोगों का जो है अनाज रेशन बचा सके। तो काफी इससे तरीका एक ही था कि कश्मीर के अवाम को, कश्मीर की पॉपुलेशन, कश्मीर की जनता को महाराजा के बरकरार उकसाओ और अंग्रेज को कमजोर करो। फिर इसमें एक कमीशन गठन किया, जब महाराजा ने सुना कि ऐसी बातें फ्लोट हो रही हैं, तो एक कमीशन गठित हुआ, और कमीशन ने बोला बिल्कुल बकवास है, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये तो एंग्लो इंडियन प्रेस ने जो है महाराजा को बदनाम करने के लिए किया, इसमें सच्चाई कोई नहीं थी। लेकिन कुछ डैमेज तो हो गया इससे, खासकर लोकल पॉपुलेशन में, क्योंकि इंफॉर्मेशन का जरिया तो कोई खास होता था, यही प्रेस ही होता था, तो वो अंग्रेज और लोकल के बीच में जो दरार बनानी शुरू हुई उसका कुछ असर तो पड़ा। फिर इन्होंने क्या किया, अगेन वही गिलगित नॉर्दर्न एरियाज को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज ने लेह में जो है एक अपनी ट्रेड एजेंसी स्थापित करी, ताकि जो नॉर्दर्न एरियाज के अंदर ट्रेड था उसको वो किसी न किसी तरीके से कंट्रोल कर सके। और ये तकरीबन 1867 के आसपास हुआ, और ये ट्रेड एजेंसी फिर काफ़ी देर तक चलती रही, हरि सिंह के टाइम में भी थी ये ट्रेड एजेंसी, हालांकि फिर इसको महाराजा ही कंट्रोल कर रहे थे।
क्या हुआ, 1890 में, 1884 के अंदर एक रेजिडेंट पॉलिटिकल ऑफिसर, अब पहले तो कमिश्नर बता रहे थे, फिर रेजिडेंट बता रहे थे, फिर पहले ओएसडी से शुरू हुआ, तो बाद में इसका नोमेनक्लेचर बदली हुआ, कोई काम तो वही था, काम यही था कि वो अंग्रेज को डायरेक्टली कश्मीर से जो है महाराजा का बरखलाप उकसाए और उनको यहाँ की सारी रिपोर्ट्स भेजे, और जो अंग्रेज ने करना है वो इसी के थ्रू किया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो काफी हावी हो जाए। तो एक रेजिडेंट पॉलिटिकल ऑफिसर, एक अंग्रेज ने जो है अपने जो उनका गवर्नर जनरल था ना, उनका एक पॉलिटिकल ऑफिस भी होता था, और वो पॉलिटिकल ऑफिस के जरिए जितने भी ये स्टेट्स थे जहाँ राजा महाराजा हुकूमत करते थे, कुछ थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी थी उनके पास, लेकिन उनको अंग्रेज के नीचे ही काम करना पड़ता था। तो वो इस पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके जो भी उनको काम करना पड़ता था, जो भी उनको अपनी पॉलिसी चलानी पड़ती थी अपने हित के लिए, वो ये पॉलिटिकल डिपार्टमेंट करता था। और पहली बार जो है इन्होंने 1884 में रेजिडेंट पॉलिटिकल ऑफिसर जो है महाराजा रणबीर सिंह के काल में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थापित किया, जो अब डायरेक्टली डील कर रहा था गवर्नर जनरल के साथ। तो रणबीर सिंह का इरा आपको पता है 1885 में जो है वो खत्म हुआ, और उसके बाद हम आते हैं महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में। महाराजा प्रताप सिंह ने 1885 से लेकर 1925 तक हुकूमत की, तो मतलब 40 साल हुकूमत की, और ये बहुत क्रूशल टाइम था। हरी सिंह के बाद ये सबसे ज्यादा क्रूशल समय था, क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह के जो ये साजिश चल रही, जो मैंने बताया आपको, जो साजिश चल रही थी अंग्रेज के टाइम से, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम से, वो हर हर युग में, हर महाराजा के टाइम में एक दो स्टेप आगे बढ़ जाती, ज़्यादा मजबूत होती जाती थी। अब महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में उसको कमज़ोर करने के लिए एंग्लो इंडियन प्रेस ने कितनी सारी गलत चीज़ें उसको उन्होंने फ्लोट करी, और सबको मालूम था कि प्रताप सिंह जो है उनकी रिलेशन अपने दो छोटे भाई राम सिंह और राजा राम सिंह के साथ और अमर सिंह के साथ, दोनों भाइयों के साथ उनकी रिलेशनशिप ठीक नहीं थी, लेकिन वो बड़े भाई थे तो हुकूमत तो उसी के पास जानी थी, तो उसको एक्सप्लॉइट किया अंग्रेज ने। उनको पता होता था, सब कमिश्नर रेजिडेंट पॉलिटिकल ऑफिसर जो था वो खबर भेजता रहता, तो उसको इनकी जो है आपस में जो इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं था, इसको कैसे वो एक्सप्लॉइट करें, ये अंग्रेज को बहुत अच्छी तरह मालूम है। डिवाइड एंड रूल तो आपको मालूम है उनकी पॉलिसी थी, लेकिन प्रताप सिंह के टाइम में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त गेम खेली। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने एक चिट्ठी फोर्ज करी महाराजा प्रताप सिंह की हैंडराइटिंग में, और वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ही उसका दस्तखत किया, उसके हाथ से लिखी चिट्ठी थी, उसमें वो चिट्ठी में ये लिखा था कि वो जो है प्लान कर रहा है रेजिडेंट पॉलिटिकल ऑफिसर जो है अंग्रेज ने जो रखा है वहाँ पर, वो उसको मारेगा, उसको जहर पिलाएगा, और वो जार को चिट्ठी लिख रहा है कि भई आप आ जाओ इधर, और ये स्टेट जो है हम आपके साथ मिलाना चाहते हैं। जिस चीज़ का अंग्रेज को सबसे ज़्यादा डर था, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ये गेम खेला। जब ये चिट्ठी पकड़ी गई तो उन्होंने महाराजा हरि सिंह से सब ताकत ले ली, उसे सब ताकत छीन ली, लेकिन एबडिकेट नहीं कर, उसको एक फिगर हेड के तौर पर, लेकिन उससे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी उन्होंने छीन ली। फिर क्या हुआ 1895, और ये मामला जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तकरीबन आते ही ऐसा हुआ था, तो मतलब मैं मानता हूँ कि दो तीन साल हुकूमत करने के बाद उनसे तकरीबन सारी ताकत छीन ली गई, और महाराजा प्रताप सिंह क्योंकि वो अब हुकूमत नहीं चला सकते थे, उन्होंने काउंसिल बनाई, और काउंसिल में जो जो चीफ था वो एक अंग्रेज़ बनाया, और
हालांकि राम सिंह और अमर सिंह को दोनों को उस काउंसिल में रखा, लेकिन ऑर्डर अंग्रेज से ही आता था। फिर अमृता बाजार पत्रिका ने एक आर्टिकल पब्लिश किया और उस आर्टिकल में यह लिखा, कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड, मतलब महाराजा प्रताप सिंह को आपने अपने हक में, अपने डिफेंस में बोलने का मौका ही नहीं लिया, मौका ही नहीं दिया, और आपने उससे हुकूमत छीन ली। और अंग्रेज जो था वो इस चीज से डरता था, क्योंकि उसने एक छवि बना रखी थी कि वो फेयर है, वो सबकी बात सुनता है, वो जस्टिस पर आधारित है, बिकॉज आफ्टरऑल हुकूमत तो वो हिंदुस्तानियों से ही चला रहे थे, यहाँ अंग्रेज थोड़ी इतने ज्यादा थे कि वो हर जगह बैठते, अंग्रेज हुकूमत तो हिंदुस्तानियों से चला, क्रूशल जगह पर उनके आदमी थे, अंग्रेज थे, बाकी तो सब हिंदुस्तानी थे। तो वो ये बात भी नहीं चाहते थे जनता में चली जाए कि जिससे ये उनके दिल में बात बैठी कि ब्रिटिश जो है अनप्रिंसिपल्ड है। तो आपको मालूम ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस जो एक ढोंग है उसका, तो वो ऐसे प्रोजेक्ट करते थे अपने आप को। तो जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ अमृता बाजार पत्रिका में, तो गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सरकार और पार्लियामेंट में, यार ये क्या किया आप लोगों ने, ये तो गलत बात है, आपको कम से कम उसको मौका तो देना चाहिए था अपने हित में बोलने का। तो एनीवे इससे क्या हुआ कि बाद में उसके 1895 में उसके कुछ सारे, काफ़ी सारे जो पावर थे उसको रिस्टोर कर दिए गए, लेकिन पूरे नहीं, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स, आर्म्ड फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट तब भी अंग्रेजों ने अपने हाथ में रखी। फिर क्या हुआ कि 1819 में जब जलियांवाला बाग हुआ और पूरे देश में अंग्रेजों के बरखिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ और अंग्रेज इसको हैंडल नहीं कर पाया, तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अब जम्मू कश्मीर में महाराजा हमारे अगेंस्ट है और ये भी हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जलियांवाला बाग के बाद बहुत गुस्सा है। तो उन्होंने वो रेस्टोर कर दिए उसकी हुकूमत, बट काफ़ी देर के बाद, आप खुद अंदाज़ा लगा से 1885 के बाद 1887 तकरीबन, उसके बाद पार्शल जो थे उनके 1895 में दिए, फिर 1919 जलियांवाला बाग हुआ तब वापस कर दिया। तब तक तो उनका तकरीबन पूरा टेन्योरी, क्योंकि वो 1925 में फिर उन्होंने महाराजा हरि सिंह को हैंड ओवर किया। तो ऐसे ऐसे अंग्रेज करते थे, लेकिन तब भी उन्होंने जो गिलगित में उन्होंने एजेंसी बनाई थी उसका, उसकी हुकूमत नहीं छोड़ी, गिलगित तब भी उन्हीं के हाथ में रहा। तो जो स्टेट काउंसिल उन्होंने बनाई थी, जो मैंने आपको अभी बताया, जो स्टेट काउंसिल बनाई थी जब महाराजा प्रताप सिंह से ताकत वापस लिया गया, हुकूमत चलाने की ताकत उनसे, पावर वापस लिए गए, तो जब काउंसिल, स्टेट काउंसिल बन, वो काउंसिल तो चलती रही फिर वो, बल्कि महाराजा प्रताप सिंह जब तक हुकूमत में थे, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक काउंसिल चलती गई, हालांकि कुछ पावर्स उसमें से जो है वो प्रताप सिंह को वापस हैंड ओवर किए गए थे। तो इस प्रकार से महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में जो 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 प्रतिक्रिया अंग्रेजों ने शुरू करी थी महाराजा गुलाब सिंह के टाइम में कि उनके हाथ में जम्मू कश्मीर की ताकत चली जाए, तो वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। और जब तक महाराजा प्रताप सिंह ने महाराजा हरि सिंह को हैंडओवर कर दिया, तो तब ऐसा लग रहा था कि महाराजा हरि सिंह के पास तकरीबन कुछ भी नहीं है और सब ताकत जो है अंग्रेजों के हाथ में चली गई। लेकिन हरि सिंह के टाइम में कुछ ऐसी बातें हुई जो बहुत बहुत ही मतलब निर्णायक थी, वो डिसाइसिव थी वो, और उससे अंग्रेजों का भी और डोगराज का भी और पूरे भारतवर्ष में जो असर पड़ा वो अभी तक भी चल रहा है, उसका जो हम खामियाजा हम भी भुगत रहे हैं, या उसकी जो एडवांटेज थी वो हम अभी तक भी उसको भुगत रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि महाराजा हरि सिंह ने वेस्टर्न एजुकेशन ली थी, वो लोकल पढ़ाई नहीं करी थी उन्होंने, वो सिंधिया स्कूल में पढ़े थे और ब्रिटिश करिकुलम पढ़ा था, और स्कूल अटेंड करने के बाद उन्होंने मिलिट्री स्कूल में गए थे देहरादून, तो जहाँ पर अगेन ब्रिटिश सिस्टम चलता था। तो कुछ हद तक तो जब वो टीन एजर थे
तो उसके दिमाग में इस एजुकेशन का तो काफी फायदा हुआ, क्योंकि उनका नजरिया बढ़ गया, वो जो लोग उसको पढ़ा रहे थे तो उसको समझ में आया इनके कैसे डील करना है। लेकिन उनके बरखिलाफ भी पहले दिन से ही मुहिम शुरू हो गई, और मुहिम शुरू ये हुई कि पहले मैं बता दूं आपको, महाराजा हरि सिंह जो था वो प्रताप सिंह का लड़का नहीं था, उनके भाई का लड़का था। तो क्योंकि और कोई था ही नहीं एडिट, तो उसको वो प्रताप सिंह को उसके भाई के लड़के जो को उनको बनाना पड़ा, किंग बनाना पड़ा उसको। और क्योंकि मामला अब इतना शांत नहीं था, इंडिया में जो आजादी की मूवमेंट बहुत आगे तक बढ़ गई थी, देर हैंड्स वर फुल, मैं ये समझो अंग्रेजी में अगर आप इसका अनुवाद करें, देर हैंड्स वर फुल, तो वो हर जगह पर अपने मोर्चे नहीं खोलना चाहते थे। तो लेकिन महाराजाओं के बरखिलाफ जो था, उनकी मुहिम जो थी, उनका जो आचरण था, वो बदली नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में ही उन्होंने महाराजा हरि सिंह को पढ़ाई के बाद भेजा यूरोप कि आप देखकर आ जाओ वहां क्या हो रहा है, कैसे क्या क्या कैसे गवर्नेंस चलती है, कैसे वो देश हमसे आगे ऐसे क्यों है। तो देखने के बाद वहां पर जो गए, जैसे वो वहां पर गया तो अगेन एंग्लो इंडियन प्रेस ने उसके बरखिलाफ ऐसी ही मुहिम शुरू कर दी, इतने गलत उनके बारे में प्रचार किया कि महाराजा हरि सिंह को बहुत झटका लगा। और महाराजा हरि सिंह के दिमाग में ये बात आ गई कि अंग्रेज सच नहीं बोलता है, अंग्रेज वही चीज बोलता है जिससे उनको फायदा हो। जब महाराजा प्रताप सिंह को ये बात पता चली तो उन्होंने गवर्नर जनरल को चिट्ठी लिखी कि ये क्या मैं पढ़ रहा हूं, इसकी आप तहकीकात कराइए, क्योंकि ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए थे। यंग आदमी था, 19-20 साल का था महाराजा हरि सिंह। तो एनीवे, ये एक एक एक्सपोजर था महाराजा हरि सिंह के लिए, जब वो वापस आए तो उनको पता चला कि भाई अंग्रेज कैसे अपना शासन भारत में चलाता है, क्या गेम खेलता है, क्या कॉन्स्पायरेसीज करता है, तो वापस आ गया वो। अब जैसे मैंने आपको बताया, वो महाराजा हरि सिंह तो अंग्रेजी एजुकेशन का प्रोडक्ट था, उसने यूरोप देखा था, उसने ब्रिटिश मिलिट्री स्कूल में पढ़ा था, तो ये सब देखने के बाद उसने उसको ये भी पता चला कि वो एज अ राजा उसके पास क्या क्या ताकत है। तो वो जब वापस आया और वो तो उसने हुकूमत संभाली, पहला चीज उसने किया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, और कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से अमेंड किया कि जितने भी पावर्स, जितनी भी ताकतें महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में अंग्रेजों ने ली थी वो वापस ले गए वो, और वो उसी तरीके से चलते थे जैसे अंग्रेज चलता था। उसने वो सब कायदे कानून उनको दिखा दिए अंग्रेजों के, कि भाई ये तुम्हारे बनाए हुए कानून है, इस कानून के मुताबिक ये आपके पास नहीं होना चाहिए, तो मेरे मेरा डिपार्टमेंट है। तो वो कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि अंग्रेज ये भी साबित करना चाहता था कि वो बिल्कुल फेयर है और अपनी बनाई हुई कानून को वो का उल्लंघन नहीं करता। तो इस प्रकार से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत महाराजा हरि सिंह ने बहुत साहसी कदम उठाए अपने टाइम में, और उसके अगेंस्ट जो अंग्रेज जो उसके अगेंस्ट हुआ, तो उन्होंने फिर क्या कॉन्स्पायरेसी उसके अगेंस्ट की, वो तो आगे की बात है। रेजिडेंट कमिश्नर जो था, वो तो मैं पहले बता, वो पहले से था वहां पर। रेजिडेंट कमिश्नर अपने ऑफिस में, रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस में यूनियन जैक लगाता था, तो उसने बोला भाई ये यूनियन जैक नहीं लगेगा यहाँ पर, यह स्टेट का फ्लैग लगेगा। उसने बात नहीं मानी, महाराजा हरि सिंह ने फौज भेजी, वो झंडा वंडा हटा दिया वहां से, अपने स्टेट का झंडा लगा दिया। तो अंग्रेज को कहाँ ये बातें अच्छी लगती थी, ताकत तो उनके पास थी, लेकिन महाराजा हरि सिंह भी बहुत नीट थे, उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा यहाँ पर, और तुमको वही करना पड़ेगा जो महाराजा चाहता है, क्योंकि कानून के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मेरे पास है। तो कन्फ्रंटेशन तो पहले दिन से ही थी। एक और चीज उन्होंने किया, गिलगित जिस जो कि अब अंग्रेज के हाथ में कब से था, रणबीर सिंह के टाइम से अगर आप मानो, तो वहां पर उन्होंने रेजिडेंट कमिश्नर को हटाकर अपना रेजिडेंट कमिश्नर किया।
महाराजा हरि सिंह ने अपना सीजन, और ये इतना सेंसिटिव मामला था अंग्रेजों के लिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई ये मेरा मेरी जिम्मेदारी है, आप गिलगित में कैसे कर सकते जब आपके पास कहीं और, जम्मू में नहीं है, श्रीनगर नहीं है, हर जगह नहीं है, आपका स्टेट में एक रेजिडेंट है उसको रहने दीजिए, बाकी तो कोई मतलब नहीं है आपका। वो उन्होंने हटाकर, अंग्रेज को हटाकर वहां अपना रेजिडेंट कमिश्नर बिठा दिया। देन एक और चीज जो महाराजा हरि सिंह ने किया क्या था, ये जो स्टेट सब्जेक्ट है ना, जिसको जो जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे अभी तक, जो अब खत्म हुआ 5 अगस्त 1919 को जो आर्टिकल 370 और 35 न्यूट्रलाइज हुआ, ये आया इस वजह से क्योंकि अंग्रेज एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहता था जिस वजह से उनको रेजिडेंशियल अथॉरिटी मिले और फिर हेरिडिटरी वो उस जमीन को क्लेम कर सकते थे, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर तो चाहिए था किसी भी सूरत में, क्योंकि जार रशिया से बहुत थ्रेट था। तो उन्होंने एक चाल खेली थी कि उन्होंने बोला कि हम, उनको पता चला महाराजा हरि सिंह ये एक अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, प्रोविजनल प्रोविजन कर रहे हैं जिस वजह से जो रेजिडेंट होगा अंग्रेज वहां पर वो जमीन खरीद सकेगा, वो प्रेजिडेंट परमानेंट रेजिडेंट बनेगा, और जो फिर उसका हेयर होगा वो हेरिडिटरी उसका हकदार बन जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू कश्मीर जो पूरा वो अंग्रेज के हाथ में चला जाएगा। ये जब महाराजा को पता चला, उन्होंने एकदम से स्टेट सब्जेक्ट बिल लाई, उसको पास कराया, और जिससे कि स्टेट सब्जेक्ट के उन्होंने कुछ बनाए कि भाई जो इधर इतनी देर से 10 साल से है, जो परमानेंट रेजिडेंट है, जिसके पास ज़मीन है, या जो 10 साल से इधर नौकरी कर रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, जो टेम्प्ररी आता, तो एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ बना, और वो स्टेट सब्जेक्ट लॉ फिर जैसे मैंने बताया वो आज़ादी के टाइम तक था, उसके बाद फिर जब आर्टिकल 370 आया तो 35A अमेंडमेंट किया गया, तो ऐसे करके वो आर्टिकल फिर रहा, और ये एक वजह थी जिससे कि अंग्रेज वहाँ पर क्लेम नहीं कर सका उस टेरिटरी, ये स्टेट सब्जेक्ट 1927 में आया था। अच्छा, नाउ ये अंग्रेज क्या, एक अंग्रेज क्या चक्कर था कि 1931 में, ये तो मैं अभी तक मैंने आपको वो चीज़ें बताई जिससे कन्फ्रंटेशन बढ़ती जा रही थी, और ये अब अंग्रेज को तो बिल्कुल इस चीज़ का पूरा विश्वास हो गया कि महाराजा हरि सिंह को ऐसे नहीं वो हटा सकते, ना उसके ऊपर वो हावी हो सकते हैं कि वो कोई अपना लॉ बनाए, कि हरि सिंह एजुकेटेड आदमी था, वो रिफॉर्मिस्ट था, उसको सब पता था कि क्या हो रहा है, और देश में भी अब जागृति काफ़ी आई थी कि उनको ट्रैवल कर, उन्होंने यूरोप ट्रैवल किया था। 1930 नवंबर दिसंबर के आसपास वो लंदन चले गए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब अटेंड करी तो वो गैरहाजिरी में अंग्रेज ने काफ़ी सारी उसके पीछे साजिशें रखी, और ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महाराजा ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रिंसेस को सपोर्ट किया कि हम ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन प्रिंसेस बनाएंगे, और जो कि अंग्रेज को पसंद नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सब स्टेट जो है, वो तो चाहते थे अलग अलग डिवाइड करके उनको अलग अलग डील करो, वो नहीं चाहते थे कि ये एक एक कन्फेडरेशन बनाए और ब्रिटिश के लिए एक और यूनाइटेड चैलेंज ये पेश करें, ये नहीं चाहते थे, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने ये बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कही। दूसरा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भाई सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, उसके बाद मैं राजा हूँ, ये भी उनको पसंद नहीं आई, तो उन्होंने सोचा भाई ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, और इसलिए जो है हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और यही एक वजह थी कि उन्होंने महाराजा के बरखिलाफ जो जुलाई 1930 दिसंबर नवंबर 1930 से लेकर वो जनवरी मार्च 1931 तक वो बाहर थे, और ये चीज़ें हो रही, डेवलपमेंट्स हो रही थी, और अंग्रेज़ गवर्नर जनरल को मैसेज पर मैसेज भेजे जा रहा था भाई हरि सिंह तो आपका आपके आपे से बाहर निकल रहा है, आपको इसको
थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उस वजह से उन्होंने कश्मीर के अंदर जो है चाल खेलनी शुरू करी, और वो जो चाल थी उसमें क्या हुआ, उसमें कहाँ जो जुलाई 13 जुलाई 1931 के जो इंसिडेंट्स हुए उनका क्या फिर कैसे उपयोग किया गया अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ को के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए और महाराजा हरि सिंह को कमज़ोर करने के लिए, कम्युनलिज्म कितना बढ़ गया उन कार्रवाइयों से, इसके ऊपर जो है मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा जब हम बात करेंगे कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम कम्युनलिज्म कैसे पैदा हुआ, उसको किसने बढ़ावा दिया और इससे फिर पूरे भारतीय विश्वदीप सब कॉन्टिनेंट के अंदर उपमहाद्वीप में कितना इसका नुकसान हुआ, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊँगा। लेकिन जो कन्फ्रंट्रेशन शुरू हुई महाराजा हरि सिंह के टाइम में, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने वो ऐसे स्टेप्स उठाए थे, ऐसे इकदाम उठाए थे जिससे उन्होंने अंग्रेज़ों के रूल्स को ही अंग्रेज़ों को दिखाया और जिससे वो उनको बिल्कुल आइसोलेट कर गया कई इलाकों से, और उसने ये अंग्रेज़ को बताया कि हम कोई भी राजा हो या कोई महाराजा हो, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और आप बाहर से आए हैं, आपको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो उस वजह से अंग्रेज़ों ने फिर कौन सी चाल खेली उसके बारे में, उसका क्या परिणाम हुआ, मुस्लिम कम्युनलिज्म कश्मीर में कितना बड़ा, शेख अब्दुल्ला कैसे पैदा हुआ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कैसा पैदा हुई, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे बनी, ये सब इसी की देन है महाराजा हरि सिंह के फर्स्ट राउंड टेबल में, और उसके उसने जो पहले अंग्रेज़ों के बरखिलाफ काम किया था कश्मीर के अंदर, ये उसी का सबका नतीजा है। तो उस विषय में हम फिर अगले एपिसोड में बात करें। क्या हिस्ट्री है सर हमारी, बट एक चीज आप जो बता रहे थे ये स्टोरी के अंदर सर, जो भी कह लिए एक चीज तो बाहर निकल रही है कि अंग्रेज के बारे में हम जो सोचते थे कि ये बड़े प्लान्ड हैं, चालुक हैं, चातिर हैं, ये रिएक्टिव थे ज्यादातर, और इनका रिएक्शन आता था अग्रेशन से। देखिए अंग्रेजों के ना, अंग्रेजों के दो तीन चीज़ें हमें भूलनी नहीं चाहिए। एक तो आफ्टर ऑल जैसे कहते थे अंग्रेजों के शासन पर कभी सूरज डूबता ही नहीं था, मतलब अगर कहीं सूरज डूबता तो वहां चढ़ता जहां, तो इतने बड़े विश्व को कंट्रोल में करना उसके लिए तो आपके पास कुछ चाहिए ना, उसमें साम दाम दंड भेद आपको सब चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा, किस टाइम क्या इस्तेमाल करना है वो अंग्रेज ने पूरा परफेक्ट उसको किया था। और जब अंग्रेज यहाँ से निकल गया तो उसने बड़ी चतुराई से काम किया, बड़ी चालाकी से काम किया, और उसने ऐसे लीडर्स को प्रमोट किया जो उनकी बात करते थे, जो उनके पॉलिसीज को आगे बढ़ाते थे, लेकिन वो बिल्कुल सटल तरीके से उन्होंने किया, ऐसे नहीं किया जैसे हम जैसे बिल्कुल हो जाए, सटल थे वो। और उन्होंने कई फोर्सेस को देश के अंदर काफी सारे फोर्सेस थे उनको अपनी तरफ किया पहले। अगेन महाराजा हरि सिंह के टाइम में भी आपको अगर शेख अब्दुल्ला को उन्होंने प्रोड्यूस किया, शेख अब्दुल्ला को अपनी साइड किया, शेख अब्दुल्ला ने नेहरू को अपने जाल में फंसा दिया, और एंड में क्या हुआ, किसी ने हरि सिंह की बात ऐसे वो तो चेन रिएक्शन बन गया ना सर, एक एक चीज हुई उसके बाद उसका दूसरा हुआ, उसके बाद तीसरा हुआ, उसके बाद चौथा हुआ, और वो चलता रहा अभी, मतलब आज तक हम देख रहे हैं उसका क्या रिजल्ट रहा है और कैसे 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 चीजें। बिल्कुल बट सर ये बड़ी अमेजिंग स्टोरी है, मैं आई मीन दिस फ्लो से आप बताते हैं, ऐसे देख के बड़ा, देख के और सुन के बड़ा यू नो अच्छा लगता है कि अब इतने सारे लोग हैं जो हमारे हिस्ट्री के जानकार हैं, बिकॉज हम लोग तो इंडिया में तो बचपन से, मैं हर आई थिंक हर एपिसोड में बोलता हूँ कि हमको ये तो सिखाया गया है कि हिस्ट्री तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री क्या पढ़नी है, हिस्ट्री में क्या रखा है, जो हो गया तो बात गई, आगे देखो। आगे देखने में एक 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 छोटी सी सेइंग है उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि हिस्ट्री इज अ राउंड अबाउट सर्कल विच चेंजेस इट्स कलर्स एज टाइम्स गो बाय, तो वही चीजें दोबारा दोबारा होती रहती हैं, थोड़ा कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। बिल्कुल, और मैं आपको एक और हम आपने ये ठीक कहा, क्योंकि हिंदुस्तान में ना इंडियंस जनरली हिस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं देते,
और एक बड़ी ओल्ड सेइंग है, दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। और हमारे साथ ऐसा ही होता है, कई उदाहरण है हिस्ट्री में, हमने वही गलती करी, सीखा नहीं, फिर वही गलती करी और हमेशा हमको नुकसान हुआ। तो ये तो हमारी कहानी ऐसी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। सर पार्ट 3 एपिसोड खत्म हुआ है हमारा, अभी तो बहुत स्टोरी आगे है आज के थैंक यू। जमाने तक। अभी बहुत, मैं ये बड़ी खराब चीज बोलूंगा, बट अभी बहुत खून बहना बाकी है। बिल्कुल। ये इस जगह की हिस्ट्री को पढ़ने समझने और लोगों को तक लेके आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक एंड यू, नेक्स्ट थैंक यू, एपिसोड के लिए आई एम ईगली वेटिंग सो दैट वी कैन टेक दिस स्टोरी फॉरवर्ड। थैंक यू आदि, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। आपका, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, जय हिंद सर। जय जय हिंद।